In this video we'll see how to find convolution of the given signals. अब यहाँ पर जो first question है वो है x1 of t दिया है exponential form में और x2 of t भी दिया है exponential form में. So let's write the formula as x1 of t convolution with x2 of t will be integration first function x1 of t into second function shifted by the same amount into t2. This is the formula for convolution. तो अगर हम बात करेंगे x1 of tau की, ये वाला function है, तो इसको हम लिख सकते हैं as integration this term e raised to minus a into tau multiplied by u of tau, t is replaced by tau, and this function as e raised to minus b. Now this t is replaced by t minus tau. T minus tau into u of t minus tau multiplied with d2. Clear? अब अगर हम बात करेंगे इस यूनिट फंक्शन की, तो ये मल्टीप्लीकेशन है u of tau का u of t minus tau के साथ. तो सबसे पहले तो इसका वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे एज फर्स्ट विल स्केच u of tau. एज यू नो u of t का वैल्यू 1 होता है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, यानी जीरो से लेके प्लस टॉप तक, मे बी वो इन्फिनिटी हो सकता है. इस वाले सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है 1. क्लियर? ये तो हो गया यू ऑफ टॉप का. अगर बात करेंगे इस वाले सिग्नल की, तो इसे स्केच करने के लिए सबसे पहले हमें यू ऑफ माइनस टॉप स्केच करना पड़ेगा. सो विल ड्रॉ यू ऑफ माइनस टॉप, यानी कि जो भी प्लस वैल्यूज है वो माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे. सो बाई यूजिंग फोल्डिंग ऑपरेशन हम यू ऑफ माइनस टॉ ड्रॉ कर सकते हैं प्लस टी एज माइनस टी एंड दिस जीरो एज इट इज, और ये जो निगेटिव वैल्यूज था ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा जीरो. तो ये है हमारा यू ऑफ माइनस टॉ. अब इस वाले सिग्नल को टी यूनिट से शिफ्ट करना है. सो विल राइट शिफ्ट यू ऑफ माइनस टॉ बाई टी यूनिट्स, यानी कि टी इसमें ऐड करना है. तो देखिए माइनस टो यानी माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, बट ये एंड हो रहा है जीरो के लिए. सो जीरो में अगर हम प्लस टी ऐड करेंगे, सो मे बी विल गेट जीरो प्लस टी एस टी. तो ये सिग्नल जो है वो राइट को शिफ्ट हो जाएगा मे बी एफ टी यूनिट्स के लिए फ्रॉम माइनस टो टू प्लस टी, इसका एम्पलीट्यूड अब हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, ये दो सिग्नल्स का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन. इसको हम लिखेंगे u ऑफ t माइनस टो. अब देखिए अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये ऑल नेगेटिव वैल्यूज के लिए इसका एम्पलीट्यूड जीरो है, और माइनस टी से लेके जीरो तक इसका एम्पलीट्यूड वन है. तो वन इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, यानी नेगेटिव वैल्यूज के लिए इसका एम्पलीट्यूड जीरो रिमेनिंग. नेक्स्ट जीरो से लेके प्लस टो तक इसका एम्पलीट्यूड वन है, लेकिन ये सिग्नल आप देख सकते हैं जीरो से लेकर टी तक इसका एम्पलीट्यूड वन है. तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो जीरो से लेकर टी के बीच में एम्पलीट्यूड वन आ जाएगा, एंड फ्रॉम टी ऑनवर्ड्स इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा. तो इसके बिहाफ पे हम लिख सकते हैं यू ऑफ टाउ इंटू यू ऑफ टी माइनस टाउ का एम्पलीट्यूड वन है बिटवीन जीरो टू टी, अदरवाइज इसका एम्पलीट्यूड है. तो ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो अब चेंज हो जाएगा, इट विल बी फ्रॉम जीरो टू टी. दिस इज ई रेस टू माइनस ए टो ई रेस टू माइनस बी इंटू टी माइनस टो इंटू डी टू. क्लियर? नहीं, जब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टो है. तो इस वाले टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी ई रेस टू माइनस बी टी माइनस माइनस प्लस ई रेस टू बी टाउ इंटू डी टू. अब ये वाला टर्म कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे. सो वी आर लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन जीरो टू टी, ये दो टर्म्स हमें बाकी. इसमें से अगर हम बाहर निकालेंगे माइनस टाउ, अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी टाउ इंटू डी टू.
तो इस वाले टर्म का अब इंटीग्रेशन लेते हैं, दिस विल बी ई रेस टू माइनस बी टी इंटू, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू माइनस ए माइनस बी टाउ डिवाइडेड बाई माइनस ए माइनस बी ओवर द लिमिट जीरो टू टी। अब बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पर लिखेंगे, ई रेस टू माइनस ए टी का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू माइनस ए टी बाई माइनस ए, यहाँ पर ए माइनस बी है तो ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी आ जाएगा। सो विल टेक ई रेस टू माइनस बी टी और ये ए माइनस बी भी हम बाहर निकालते हैं। नाउ विल पुट अपर लिमिट विच इज ई रेस टू माइनस ए माइनस बी टाउ की जगह पे टी माइनस ई रेस टू, ये हो जाएगा माइनस जीरो क्योंकि टाउ जीरो है तो एंटायर टर्म हो जाएगा जीरो। सो विल राइट फॉर दिस एस, ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन बी माइनस ए इंटू ई रेस टू ए माइनस बी टी माइनस वन, क्योंकि ई रेस टू जीरो तो वन होता है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस बी टी इंटू ई रेस टू माइनस ए टी इंटू ई रेस टू माइनस माइनस प्लस बी टी अपॉन बी माइनस ए, और ये वाला टर्म तो है हमारा माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन से मल्टीप्लीकेशन में भी। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल, रीजन इसका बेस सेम है तो पावर का एडिशन, पावर का एडिशन अगर हम करते तो ये आ जाएगा ई रेस टू जीरो जो कि होता है वन। सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली फ्यू टर्म्स और यहाँ पर भी ये ई रेस टू माइनस पी टी है क्योंकि ये वाला टर्म इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द आंसर दैट विल बी गेटिंग विल बी ई रेस टू माइनस ए टी माइनस ई रेस टू माइनस पी टी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, सो आउटपुट विल बी इक्वल टू दिस टर्म। सो दिस विल बी आर कॉन्वोल्यूशन ऑफ द गिवन सिग्नल। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज मोस्टली आस्क्ड इन एवरी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, आप जब भी किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो मोस्टली यू विल गेट ए क्वेश्चन लाइक दिस। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल्स ऑन कन्वोल्यूशन। सो द सेकंड क्वेश्चन, एक्स वन ऑफ टी दिया है यूनिट स्टेप सिग्नल और एक्स टू ऑफ टी भी दिया है यूनिट स्टेप सिग्नल, तो इसका हमें फाइंड आउट करना है कन्वोल्यूशन। सो विल राइट द फॉर्मूला, कन्वोल्यूशन बिटवीन दिस टू विल बी इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज u of tau into ये function shift हो जाएगा t unit से u of t minus tau into d2। अब recent जो हमने question देखा था उसमें ये दोनों का multiplication हमने already study किया था, इसका amplitude अगर हम देखेंगे u of tau और ये था u of t minus tau, इसका amplitude 1 है between 0 to t otherwise 0, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो हम लिख सकते हैं एस इंटीग्रेशन जीरो टू टी, इसका एम्पलीट्यूड वन आ जाएगा इनटू डी टू, इट विल बी जीरो टू टी इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब डी टू का इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा टू ओवर द लिमिट जीरो टू टी। लेट्स पुट द अपर लिमिट, अगर हम अपर लिमिट लिखते हैं टी और माइनस लिमिट है जीरो तो टी माइनस जीरो इन आ जाएगा टी। सो कन्वोल्यूशन एक्स वन ऑफ टी विथ एक्स टू ऑफ टी विल बी इक्वल टू टी। अब ये जो केस है वो इम्पोर्टेंट है, किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है तो देखिए हमने यहाँ पर यूनिट स्टेप लिया था यू ऑफ टाउ और यू ऑफ टी माइनस टाउ, यानी कि अगर वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो है तो एम्पलीट्यूड वन आ जाएगा। सो फॉर दैट केस हम इसको लिख सकते हैं टी इन टू यू ऑफ टी एंड वी कैन राइट फॉर t greater than or equal to 0। So at last इन दोनों को convolution हम लिखेंगे y of t is equal to t into u of t। So this will be a answer of the second question।
Let's take the next example. As x1 of t is equal to t into u of t, and x2 of t diya hai only u of t, unit steps. So as usual, convolution of these two signals will write as output y of t integration first function tau into u of tau into u of t minus tau into t tau. Iska amplitude to 1 hai between 0 to t. This will be tau into d2. अब tau का जो integration है वो आ जाएगा tau square by 2 limits 0 to t. So if I put upper limit as t, we'll be getting the answer as t square by 2. This is for t greater than 0. And in the same case, अगर input signal unit step है, तो उसका output जो है, उसका भी response unit में आना चाहिए. So ultimately we can write y of t as t square by 2 multiplied by u of t. So this will be our answer. Okay. So this is all about finding convolution of the given signal using our integration methods. Thank you.